हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने आपके साथ पहले होम डेकोर शेयर किया था, तो वो मैंने अभी तक लगाया नहीं है। आपने देखा वो वॉल अभी तक खाली है, तो वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरा काफी सारा सामान रह रहा था आने के लिए, तो मैंने और भी मंगाया है। उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक पूरा लुक दूंगी। और अभी आज मैंने क्या क्या मंगाया वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और हमारी जो गुड़िया है वो हो चुकी है पूरे 1 मंथ की, तो उसका जल्दी ही रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे बच्चों का कुछ ज्यादा रूटीन होता नहीं है, बस उसको बॉडी और दूध चाहिए होता है इस टाइम पे ज्यादातर, तो वो हेल्पफुल हो सकता है न्यूली मॉम्स के लिए, तो मैं जरूर शेयर करूंगी अगर हो पाया। आप में से किसी ने मेरे से पूछा था कि सीजेरियन में आप लोग मतलब क्या खा सकते हैं जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है, तो वो डॉक्टर्स ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे तो आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि सब कुछ खा लेना चाहिए, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है, बट जैसे कि जो हमारे बड़े हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें ऐसा खाना चाहिए कि जो हमें नुकसान भी ना दे प्लस बेबी को नुकसान ना दे। तो मैंने शुरू में लिक्विड फॉर्म्स में लिया है, तो उसके बाद धीरे धीरे सॉलिड्स पे गई थी। दाल का सूप ले लिया, खिचड़ी ले ली, तो इस तरह से दलिया ले लिया। दलिया बहुत अच्छा होता है, मिल्क की सप्लाई इंक्रीज करने के लिए भी अच्छा रहता है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद सेमी सॉलिड्स शुरू हो जाते हैं, लाइक आप दाल में रोटी डिप करके खा सकते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा राइस एंड और चीजें इंक्रीज कर सकते हैं अपनी डाइट में, तो इस तरह का। वो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी इसमें, क्योंकि काफी मिक्स हो जाएगा सब कुछ, तो वो अलग से होगी। बट जिनको थोड़ी सी चाहिए थी तो मैंने वो थोड़ी सी बहुत टिप्स यहाँ पे दे दी हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइटम जो है वो हम गुड़िया के आइटम से ही शुरू करते हैं। ये आप देख ही सकते हो, बहुत अच्छा वार्डरोब, बेबी वार्डरोब है, एंड ये 5 सेक्शंस में है, 5 ट्रे मिल जाती है इसके अंदर, वो मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगी। इसमें आपको 7 में भी मिल जाती है, बट मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और अभी मुझे इनिशियल पर्पस के लिए ही चाहिए था, तो उसके लिए सफिशियंट है, 5 सेक्शन की ली है मैंने। फ्रेंड्स, इसमें रेड ये जो क्लॉथ का फैब्रिक होता है इसमें कलर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने रेड कलर का मंगाया बिकॉज रेड गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए चल जाता है, बट इसमें स्पेसिफिक कलर्स भी है, ब्लू और पिंक भी मिल जाएगा आपको, तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैंने मेडिसिन का सेक्शन बना दिया है, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है इसको, कैनोपी वाला लुक दिया गया है इसमें, एंड देन ये ऐसे ही है फ्लैप, इसमें कोई ओपनिंग भी नहीं है। देन यहाँ पे तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5 कंपार्टमेंट्स हैं, और मेरा वो अभी नीचे वाला सेक्शन खाली है बिकॉज मैं इतना ज्यादा नीचे झुक नहीं सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से क्लोथ्स रख दिए हैं। यहाँ पे इसके स्वेटर्स वगैरह हैं, और यहाँ पे थोड़े से उसके कपड़े हैं, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया। अभी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली किया नहीं है, जस्ट आपको रिव्यू मतलब ओवरव्यू दे दिया है। तो नीचे आपको इसमें 4 व्हील्स मिल जाते हैं, एंड आपको यहाँ पे साइड पॉकेट्स मिल जाती हैं, तो इसमें जैसे कि आप और भी सामान कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इशमाइश ने गुड़िया का टॉय रखा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे आप चाहे तो मेडिसिन रख सकते हो, डायपर्स वगैरह रख सकते हो, किसी भी यूज में ले सकते हो, दोनों साइड में आपको मिल जाती है ये। प्लस ये जिस जो व्हील्स दिए गए हैं इसके अंदर, तो वो भी काफी अच्छे हैं, आप इनको इसको आराम से रिलोकेट कर सकते हैं कहीं पे भी। तो मैंने तो अपने कॉर्ड के पास ही रखा हुआ है अभी, तो यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट। देन फ्रेंड्स, सेकंड प्रोडक्ट है ये, एंड ये है हैंड टॉवल्स। ये आपको मिल जाता है सेट ऑफ 4, एंड काफी सॉफ्ट फैब्रिक लग रहा है। ये माइक्रो फाइबर के होते हैं, इनका जो फैब्रिक क्वालिटी होती है वो माइक्रो फाइबर होती है। माइक्रो फाइबर की मैं आपको क्वालिटी बता देती हूँ, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, प्लस ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, क्विक ड्राई है, कि जैसे कि आप अगर इसको यूज कर रहे हो तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है, एंड इसमें कोई भी बैक्टीरिया और या फिर कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होती क्योंकि ये जल्दी सूख जाता है, तो इसमें इसका भी कोई डर नहीं है। तो ये बेसिकली मैंने ऑब्वियसली गुड़िया के लिए मंगाए हैं, तो ये आप अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं, किचन के लिए भी बेस्ट है ये। और कलर्स आप देख ही सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं, 4 डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं। ये आपको बेज टोन पे मिल जाता है, ये ब्राउन टोन के साथ मिलता है। साइज परफेक्ट है, लाइक इसको आप अपने बाथरूम में भी लगा सकते हैं, हाथ पोछने के लिए, किचन में भी यूज कर सकते हैं, और आप अपने फेस टॉवल के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा है ये। एंड ये पर्पल कलर है, बहुत प्यारा सुंदर कलर लग रहा है, एंड ये हल्का सा आपको सी ग्रीन में मिल जाता है, तो क्वालिटी एंड साइज परफेक्ट है, और मैंने इसलिए मंगाए हैं। तो ये बच्चों के फेस पोछने के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, तो मैंने इसलिए मंगाया था। बाकी इसको आप किचन वगैरह में भी इजीली यूज कर सकते हो बिकॉज ये क्विक ड्राई है एंड सुपर सॉफ्ट है, तो ये काफी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट आइटम जो कि हमारा थर्ड आइटम है, एंड वो है ये ब्यूटीफुल सा कारपेट, एंड ये काफी अच्छा है, जैसे कि आप कलर देख सकते हैं बहुत सुंदर है, मरून एंड
पैटर्न बेज और गोल्डन का मिक्स है, ब्यूटीफुल डिजाइनिंग हो रही है इस पे एंड साइज आप देख सकते हो काफी अच्छा है। तो इसको आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, लाइक अपने बेड साइड पे भी डाल सकते हैं जैसे कि मैंने अभी डाला हुआ है, और चाहे तो आप इनको अपने लिविंग रूम में या फिर ऑफिस एरिया में डाल सकते हैं, लाइक जैसे कि ऑफिस चेयर होती है उसके नीचे भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, आपकी जो चेयर होती है वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं करती है। तो बेसिकली मैंने उसी के लिए मंगाया है। मिस्टर बिंदल अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, अभी उनका स्टार्ट नहीं हुआ है ऑफिस जाना, तो उनकी जो चेयर है उसके नीचे हमारे कई सारे कार्पेट चेंज हो चुके हैं और अब हमने ये वाला मंगाया है, काफी अच्छा लग रहा है, लाइट वेट है तो ये धुलने में भी प्रॉब्लम नहीं करता। वैसे तो हैंड वॉश करना चाहिए इसको, अगर आप चाहो तो इसको मशीन वॉश भी कर सकते हैं, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कलर कॉम्बिनेशन टोन वगैरह बहुत सुंदर है एंड इसको आप अपने लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में या फिर अपनी डाइनिंग टेबल के नीचे भी डाल सकते हैं, प्लस अपनी जो आपकी सेंटर टेबल होती है उसके नीचे भी डाल सकते हो, तो उसको मल्टीपर्पज में आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड मैं काफी टाइम से इस तरह के कार्पेट्स यूज करती आ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आइटम है ये, एंड ये मैंने एक वॉल हैंगिंग मंगाई है बेसिकली। तो फ्रेंड्स ये आपको लालटेन शेप में मिल जाती है, आई थिंक लाइक लालटेन ही बोलते हैं, तो इस तरह की पहले चलती थी तो जैसे जो काफी लाइक पहले लाइट वगैरह की काफी प्रॉब्लम रहती थी तो उस टाइम पे जलाए जाते थे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक होम डेकोर आइटम है जिसको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, अपने लिविंग रूम में, बालकनी में, कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं या फिर अपने रूम्स वगैरह में हैंग कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। ब्लैक कलर की दी गई है, प्रॉपर लालटेन वाली शेप है एंड इस तरह से ही पकड़ के चलते थे ना पहले लोग, मतलब मैंने तो यूज नहीं करी है, हमारे यहाँ थी ये। तो इसके अंदर आपको एलईडी लाइट भी मिल जाती है जो अंदर ही प्लेस हुई हुई है एंड यहाँ पे बटन, ये तो बटन शो के लिए दिया गया है, इसमें नीचे यहाँ पे बटन मिल जाता है। हाँ तो ये देखिए लाइट भी काफी अच्छी है और एकदम से आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया है एंड यहाँ पे आपको इस तरह का ही मिल जाता है। तो इसमें नॉर्मल सा सेल है, वो छोटे जो सेल आते हैं बैटरी वाले वो जल जाएगा एंड इसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये सेट ऑफ टू मिल जाता है एंड दोनों में ही आप देख सकते हो बहुत अच्छा लुक है, तो इसको कहीं पे भी हैंग करो, बालकनी में भी बहुत अच्छा लुक देंगे या फिर आपका जो कॉमन एरिया है उसमें भी लगा सकते हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे सकते हैं आप अपने घर को। तो फ्रेंड्स आपने बहुत बार कॉलिंग तो यूज किया ही होगा और ये कॉलिंग की ही बॉटल है मेरे पास भी, तो मैंने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है। तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ ग्लास क्लीनर टैबलेट्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं, काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि कॉलिंग की जो बॉटल्स आती हैं वो अप्रॉक्स हमारे को 80-70 रुपीज में पड़ती है एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 16 रुपीज की एक है, मतलब काफी सारी रिसीव होती है, 10 है मेरे ख्याल से, ये 10 है 160 रुपीज की, तो 16 रुपीज का आपको एक प्रोडक्ट, एक टैबलेट मिल जाता है। तो ये काफी मतलब अफोर्डेबल रेंज में है, कॉलिंग की हम 70-80 रुपीज की बॉटल लेते हैं तो उससे तो वर्थ बाइंग है। एंड इसमें मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, तो इसकी मैंने दो बॉटल्स भरी हुई है क्योंकि मेरे पास अभी और बॉटल्स अवेलेबल नहीं थी। तो फ्रेंड्स ब्रांड के हिसाब से जो है कि इस टैबलेट से आपकी इस तरह की 4 बॉटल्स भर सकती हैं, जो कि मैंने दो आपको ऑलरेडी दिखा रखी है, अगर मैं इनको और डाइल्यूट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ बट मेरे पास बॉटल्स नहीं है तो मैंने इसलिए अभी इनको डाइल्यूट नहीं करा है, इनको यूज करेंगे फिर आपको मैं बाकी और फीडबैक तब दूंगी कि कैसा वर्क कर रही है, कॉलिंग जैसा ही वर्क कर रही है या फिर कॉलिंग से अलग कर रही है। तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 5 रुपीज में एक बॉटल भर जाती है जो कि बहुत ही मतलब ह्यूज आप कह सकते हो कि डिस्काउंट वाला आइटम है ये, तो आप जरूर बाय कर सकते हैं एंड मुझे काफी अच्छा लगा। और बाकी इसका यूज करके आप मैं जल्दी ही इसका फीडबैक और दूसरे ब्लॉग्स में दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट ओवरऑल मुझे ये आइटम अच्छा लगा तो आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आइटम है हमारा ये एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कारीगरी वर्क किया गया है इस पे एंड ये काफी सुंदर लग रहा है और ये बना हुआ है आयरन से, जो इसमें यहाँ पे प्लेट्स वगैरह यूज करी है वो आयरन की है, ब्यूटीफुल फ्लावर आपको डिजाइनिंग हो जाती है। तो बेसिकली ये वॉल हैंगिंग है, इसको आप अपने डाइनिंग रूम में या फिर लिविंग रूम में प्लेस कर सकते हैं, अपने रूम्स वगैरह में भी डेकोर कर सकते हैं इस आइटम को। तो ओवरऑल मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें डिजाइनिंग्स और भी अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो डू चेकआउट। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आप देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है, ग्रे एंड गोल्डन और व्हाइट कॉम्बिनेशन टोन पे है, हल्का सा यहाँ पे कॉपर का टोन है, लीफ बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइनिंग करी है, साइज भी इसका अच्छा है तो आपकी अच्छे से वॉल कवर हो जाएगी और क्वालिटी वाइज मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें कहीं से भी कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है, जैसे की और मैंने जो दो चार देखे थे इसके व्यूज वगैरह रिव्यूज एंड
जो भी मतलब उसमें था स्क्रैच वगैरह था, बट यहाँ पर मुझे ओवरऑल नाइस पीस रिसीव हुआ है एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स पीछे से कुछ इसका लुक इस तरह का है एंड यहाँ पे आपको ये हैंग करने के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो दोनों तरफ से अच्छे से सेफ्टी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हैंगिंग के पॉइंट्स मिल जाते हैं, इनमें आप अच्छे से प्लेस कर सकते हैं चाहे तो इधर की तरफ से चाहे इधर की तरफ से, वैसे दोनों साइड से एक जैसा ही लगने वाला क्योंकि इसकी डिजाइनिंग ऐसी है। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मिल जाता है और एक यहाँ पे मिल जाता है, तो ये पीछे से कुछ इस तरह का लुक है इसका एंड थोड़ा सा लाइक हायर साइड पे है इसका जो प्राइस है, बट उस हिसाब से इसकी फिनिशिंग एंड लुक वाइज आजकल इस तरह के बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ट्रेंड में है एंड इसका प्राइस भी नॉर्मल सा ही है, बट अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ पे आपको और भी सस्ता मिल सकता है, हो सकता है, बट मैं तो आजकल बाहर जा ही नहीं रही हूँ तो मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइटम की तरफ, जो कि ये है ये घड़ी एंड ये मैंने अमेज़न से ही ली थी, तो उसका मैं बेसिकली आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे यूज करते हुए काफी टाइम हो चुका है, अप्रॉक्स 2 साल से ऊपर ही हो गए होंगे, तो ये काफी अच्छे से वर्क कर रही है एंड ये सोलिमो ब्रांड की है, अमेज़न का इन हाउस ब्रांड है, तो ये अच्छे से वर्क करती है और इसका मैंने सोचा कि आपके साथ रिव्यू शेयर कर देती हूँ जब मैं आप बेसिकली यहाँ पे होम डेकोर का आइटम्स शेयर कर ही रही हूँ, तो ये भी बनता है और काफ़ी अच्छी है, ये भी आप ले सकते हो। मल्टी कलर में है, बच्चों के रूम में, अपने रूम में या फिर लिविंग रूम में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं या फिर अपने ऑफिस वगैरह में, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगी और सिंपल सोवर सी है, ज़्यादा कुछ उसमें डिजाइनिंग नहीं है, तो मुझे इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करना था जो कि मैंने आपको कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा, अगर आपको जरा सी भी वीडियो में कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपना प्यार बना के रखिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ताकि और लोग भी देख सकें और उनको भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सके कि अगर वो कुछ बाय करना चाह रहे हैं अपने नए घर के लिए या फिर अपने एग्जिस्टिंग घर के लिए, तो डेफिनेटली वो बाय कर पाए। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय।